कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारे ईमेल आईडी क्रिएट कर लेते हैं और उनको फ्यूचर में मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी समय पे हमें पता नहीं चलता कि कैसे हम अपने जीमेल अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने जीमेल अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, वो भी परमानेंट। तो अपने जीमेल अकाउंट को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको आपके फ़ोन में जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक सर्कल दिखेंगी, वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने गूगल अकाउंट लिखा हुआ रहेगा, वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जहाँ पे आपको डाटा एंड पर्सोनलाइजेशन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ी सी नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि डिलीट ए सर्विस और योर अकाउंट, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि डिलीट योर अकाउंट, यहाँ पे डिलीट योर अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने थोड़ा सा लोडिंग होगा, फिर थोड़ी सी लोडिंग को आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर। या फिर आपको आपका जो ईमेल का पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे डाल के वेरीफाई होना पड़ेगा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग होगा, फिर आपके सामने ऐसा एक फॉर्म आ जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि डिलीट योर अकाउंट गूगल अकाउंट। फिर नीचे लिखा हुआ रहेगा कि प्लीज़ रीड दिस केयरफुली, ये आपको केयरफुली लेना है, इट्स नॉट द यूजुअल ब्ला ब्ला, ये कोई ऐसा वैसा कोई चीज़ नहीं है, इसे आपको केयरफुली पढ़ना होगा। इसे आप पढ़ लेंगे, फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको दो टिक मार्क लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे आपको वो टिक मार्क देने से पहले आपको ये पढ़ लेना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यस आई एक्नॉलेज दैट आई एम स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी चार्जेस इनकर्ड ड्यू टू एनी पेंडिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड आई अंडरस्टैंड दैट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंस माई अर्निंग्स वोंट बी पेड आउट। और यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा। फिर नीचे यस आई वॉन्ट टू परमानेंटली डिलीट दिस गूगल अकाउंट एंड ऑल इट्स डाटा, फिर यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा। फिर नीचे आपको दिखेंगे कि कैंसिल और डिलीट अकाउंट, यहाँ पे आपको डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपसे कोई भी एक ब्राउज़र चूज़ करने को बोला जाएगा। मैं फ़िलहाल के तौर पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लूँगा। यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के साथ साथ आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि योर गूगल अकाउंट एंड ऑल इट्स डाटा हैव बीन डिलीटेड, आपका जो गूगल अकाउंट और इसका जो डाटा है वो अभी डिलीट हो चुका है। तो इस स्टेप से आप आपके जीमेल अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।